roaring in the morning sun, searching for a longer day. तो अभी यहाँ पर हम आए हैं अरनेता कुबाओ में. तो यहाँ पर पीछे अगर देखिए मेरे तो ये है मैकडोनल्ड्स. यहाँ से दिख नहीं रहा. तो यहाँ से हम क्या वैन का वेट कर रहे हैं. तो वैन आएगी यहाँ पे, उसके बाद वैन में हम जाएंगे और हाइकिंग के लिए जाएंगे. तो बेसिकली जो होता है यहाँ पे हाइकिंग के लिए अपना ग्रुप होते हैं यहाँ पे और ग्रुप में जाना पड़ता है. तो यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं. 10:30 का टाइम था तो 10:30 या आधा घंटा एक घंटा लेट हो जाएगा वैन वाला. तो देखते हैं फिर. ये पीछे देखिए मेरे, ये व्यू है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं वैन का. ये है यहाँ पे एरिया, ये बिल्डिंग जो देख रही है वहाँ पे वो होटल सा बना हुआ है. और इस तरफ देखिए तो ये बना हुआ है, गेटवे बिल्डिंग है, इस पर भी काफ़ी फ्लोर हैं. यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं तो जब वैन आएगी उसके बाद यहाँ से वैन में हम बैठ के 3-4 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद हम चले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हाइक के लिए जाते हैं, हाइकिंग के लिए. तो वहाँ पे एक दो पहाड़ होगा, माउंटेन होंगे, तो वहाँ पे जाके हम हाइकिंग करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने सोचा एक दो क्लिप बना लूँ ताकि आइडिया रहे कि कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से शुरू होती हैं. वैसे तो दूसरी जगह से आया था मैं बस पे, तो वहाँ पे बस का भी मैं साइट वगैरह बता दूँगा कितना किराया वगैरह लगता है. तो वो दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको अगले क्लिप में. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा, जिन्होंने मेरे को इधर इनवाइट किया था इस हाइकिंग में. सो माय फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड मी हियर फॉर टू जॉइन दिस हाइकिंग ट्रेल फॉर टुनाइट. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर. सो हियर इज माय फ्रेंड, द वन हु इनवाइटेड मी ऑन दिस हाइकिंग फॉर दिस डे, एंड हर नेम इज़ रोश. And this side come na, I have got it. So can you please tell us where are we going? Hi, my name is Rosh and we're actually going to Nalayag Monolith. Where is that? Is it very far from here? It's located in Lobo, Batangas, and it's around 3 to 4 hours drive from the city. तो अभी मैंने इससे पूछा, मतलब कि इसने ही मेरे को यहाँ पे बुलाया था कि कैसे कैसे जाना है. तो ये मेरा पहला टाइम होगा कि मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ इस ग्रुप को, और वहाँ पे जाके देखेंगे. पर तकरीबन जो है 3 से 4 घंटे वैन में लगेंगे, उसके बाद अपना जो होगा जो ट्रेल होगी हाइकिंग की वो भी 3 से 4 घंटे की होगी. और ये है, तो ये हमने सामान भी, बाद में मैं जब ब्लॉग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्या क्या सामान लेके जाते हैं हम और क्या क्या. तो वैसे अगर देखिए तो ये बैग रहता है मेरे साथ और एक चश्मा भी रहता है और नीचे का आउटफिट भी, ये मतलब शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए हैं और जूते भी हैं. तो ये पूरा जो होता है आउटफिट एक किस्म का हाइकिंग का रहता है. और क्योंकि यहाँ पर जो है अपना ये जो है ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे क्या होता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बंदा चल रहा हो वहाँ पे काफ़ी चलना, जब भी हाइकिंग के लिए चलना पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेके 2 से 3 लीटर बंदा पानी लेके जाए और ये चीज़ें होती हैं. तो उस पर मैं अलग से बनाऊँगा एक ब्लॉग कि हाँ कि कैसा बैग लेके जाना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें अंदर रखनी पड़ती हैं और हाइकिंग के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं. और बात आगे जाके मैं जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर से मैं इनसे बात करूँगा और बताऊँ, ये बताएँगे कि और मतलब कि
कैसे यहाँ पे फिलीपीन में हाइकिंग करते हैं यूजुअली हर वीकेंड में, आपका लाइफस्टाइल क्या है, पूरे मंडे से जो फ्राइडे होता है वो आप काम करें और जो होता है सैटरडे या संडे को हाइकिंग के लिए बंदा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्लिप में, और बनाता हूँ मैं वीडियो और उसके बाद आपको बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि शॉर्ट से शॉर्ट क्लिप बनाऊँ, कहाँ से मैंने शुरू किया था, मतलब अब तकरीबन जहाँ से मैंने बस राइड की है, कितनी राइड्स की हैं, उसके पूरा बना के मैं बताऊँगा आपको कि कैसे कैसा किया और क्या बजट था इसके बारे में, तो कितना खर्चा आया और क्या, उस वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लिप में। People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. ये चारों तरफ जो है पहाड़ हैं। ये ऊपर की तरफ देखो, अब ये दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। इट्स नॉट गेटिंग स्टीपर। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये आ गई आपकी फिलीपीन में गाय जैसी होती है। तो ये है ट्रैकिंग और हाइकिंग जो हमने आज रात को शुरू की थी, वो तकरीबन 12 बजे मनीला से हम चले थे और यहाँ बतांगास में पहुँच गए हम तकरीबन 4 बजे, तो 4 घंटे लगे चलने में। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस था वो 5:30 बजे खुला, जहाँ पे रजिस्टर करते हैं जो भी लोग जा रहे हों हाइकिंग वगैरह में, बंदे वगैरह पूरे गिनते हैं उनके साथ, 5 बंदों के साथ एक टूर गाइड दे देते हैं। और उसके बाद 6 बजे पूरा हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। ये देखिए, ये अभी फरवरी है, यहाँ पे तो बिल्कुल सूखा है, तो जैसे बरसात का मौसम होगा यहाँ पे, तो ये पूरा पानी यहाँ पे भरा होगा। आगे देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ी हैं, साथ में कोकोनट के पेड़ भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। और यहाँ पे पिक्चर खींच रहे हैं सभी। आर वी गोइंग दैट साइड? तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा रास्ते में रुके हैं पिक्चर खिंचाने के लिए, और मेरे पीछे व्यू देखिए,
अपने पीछे दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो और ये देखिए पीछे पहाड़ों के बीच में से ये नदी सी जा रही है और हमें वहाँ पे ऊपर जाना है। दूसरी क्लिप में दिखाता हूँ। ये जो ऊपर दिख रहा है बाउंड्री में, वहाँ पे हमें जाना है ऊपर चढ़ के, इस पहाड़ के बीच में से जाएंगे अभी हम। ये इसका यहाँ पे व्यू है। The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. तो ये देखिए इधर से जा रहे हैं हम पहाड़ पे, हाइकिंग कर रहे हैं यहाँ पे पानी के बीच में। रास्ता काफी खतरनाक भी है। How are you, Kuya? Kumusta? देखिए और ये है हमारे आगे, यार ये Wow. Wow, oh my god. Huh? Oh my god. That's amazing. It's nice to take a bath there, oh. तो ये देखिए बीच में पहाड़ों के पानी सा बना हुआ है। बिल्कुल नीचे निकलता हुआ। तो ये है हमारा आगे का रास्ता। Wala na, basta pin. Okay. Okay na yun. Kuya, hindi mo ni-record. Ay, hindi nga. Yeah. Tumutin mo sa gitna. तो ये देखिए बीच में जंगल के बीच में कोकोनट के ट्री हैं और अगर आगे हमें उसको पार करके जाना है और इस तरफ देखिए काफ़ी बड़ा पहाड़ है ऊपर, ये ऊपर की तरफ वो ऊपर की ट्रेल है। ठीक, तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और ये देखिए चारों तरफ अगर देखें तो पहाड़ों के बीच में से निकल के जो नदी सी थी वहाँ से भी होके पहाड़ी चढ़ के और यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन एक घंटे का रास्ता और है और पीछे वो पहाड़ पे चढ़ के जाना जहाँ पे आखिरी समिट है और यहाँ पर ये कोकोनट का जूस बेच रहे हैं। ताज़ा ताज़ा फ्रेश ये कोकोनट लगे हुए हैं ऊपर, ये देखिए दिखाता हूँ आपको, ये लगे हुए हैं और इसमें से कोकोनट का ये निकालेंगे और बेचेंगे, यहाँ दे रहे हैं जो भी बंदा हाइक के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम रास्ते में पहुँच चुके हैं। हाइकिंग कर तो सकता है बंदा लेकिन बहुत ही स्टैमिना चाहिए इसके लिए।